दोस्तों, हम आज बताएंगे कि आपके घर में पुरानी एलईडी टीवी है और रिमोट ख़राब हो गया है, तो बिना रिमोट का टीवी ऑन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोड के माध्यम से पहले आप रिमोट को उठाएंगे और एक कोड डालेंगे। कोड डालने के बाद लॉगिन कर देंगे। इसके बाद हमेशा के लिए झंझट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और जैसे टीवी को ऑन करेंगे तो बिना रिमोट का टीवी आपका ऑन हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए किस तरह से करते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं हर टीवी का ये कोड नहीं है, जिनके यहाँ पुरानी कोनिक टीवी है वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनके यहाँ कोनिक नहीं है तो इस कोड को आजमा सकते हैं पर गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन जो मेरे पास टीवी है उसमें मैं करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के बीच में एक जोरदार सा वीडियो बना के लाया हूँ और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखेंगे। तो आज टेक्नोलॉजी के बारे में हम वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप लोग पुरानी टीवी हो जाते हैं जिसका रिमोट नहीं मिलते हैं या ख़राब हो जाते हैं, इसके बाद बिना रिमोट के पावर ऑन नहीं होते हैं, तो इसको हम सेटिंग के माध्यम से पावर ऑन करके दिखाएंगे कैसे बिना रिमोट के टीवी पावर ऑन होता है। तो वीडियो को बने रहिए और मैं प्रोसेस बताऊंगा जैसे जैसे करना होगा। तो रिमोट एक बार इस्तेमाल करके आप लोग रिमोट को भूल जाएंगे। तो चलिए रिमोट को क्या करना कैसे करना शुरू करते हैं। तो रिमोट में मेनू बटन लिखा होगा, उसको आप मेनू बटन को ऑन दाबेंगे। इसके बाद 11 44 बटन दाबेंगे तो आपको ये फंक्शन आएगा। सारा फंक्शन है और फंक्शन से ज़्यादा आपको खिलवाड़ नहीं करना है। तो आपको करना क्या है कि तो देखिए स्क्रीन पे दिखा रहा है यहाँ पे पावरलेस है, तो इसको बैक करके हम दिखाएंगे। मेनू बटन दाबना है। मेनू बटन के बाद वो जनरल सेटिंग दिख रहा है, जनरल सेटिंग ओके करेंगे। फिर इसके बाद पावर पावर का ऑन ऑफ का ऑप्शन दिखाएगा, उसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद तो अपना बैक कर देंगे आ जाएगा। इसके बाद जब भी टीवी आप चालू करेंगे तो बिना रिमोट के ऑटोमेटिक पावर ऑन हो जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और सेटिंग में ज़्यादा छेड़खानी